मतदान होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। आईटीआई गोला बाजार में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। रायबरेली में कुल 1243 पोलिंग सेंटर हैं और 1965 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 17,25,000 और 927 मतदाता अपने मतों का यहां पर प्रयोग करेंगे कल। रायबरेली में चौथे चरण यानी कल मतदान होना है। रायबरेली के गोरा बाजार स्थित आईटी कॉलेज में मौजूद है, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। आपको बता दें कि अगर कुल पोलिंग सेंटरों की बात किया तो रायबरेली में 1243 कुल पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं कुल मध्य स्थलों की बात किया तो 1965 मध्य स्थल रायबरेली में बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, जो अपनी ड्यूटी के लिए आए हैं और उनको पोलिंग सेंटरों तक जो है वो लोग रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे आज लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, क्या व्यवस्था की गई? भाई साहब कहाँ ड्यूटी लगी आपकी? सरेनी। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे आज? व्यवस्थाएं सब ठीक है यहाँ पर, ड्यूटी हम लोग रिसीव कर चुके हैं, अब निकलने के लिए तैयारी है तेज गांव में। मैडम ड्यूटी कहाँ पे लगी है आपको, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ? रायबरेली विधानसभा में लगी है, लेकिन लेडीज के लिए कुछ फैसिलिटी दिख नहीं रही अभी। सेंटर का नहीं पता है, P1, P2, P3 किसी का पता नहीं है। अभी पीठासीन अधिकारी हमें बनाया गया, तो पता चल जाए, सेक्टर मजिस्ट्रेट बताए तब पता चलेगा कुछ कि कहाँ व्यवस्था ठीक से है कि नहीं है लेडीज को रुकने के लिए, ये करने के लिए। क्या अभी कुछ बताया नहीं क्या आप लोगों से? अभी तो कुछ नहीं ऐसा बताया। जैसे देख सकते हैं लोगों की ड्यूटी लगी, लोगों का साफ साफ कहना है कि व्यवस्थाओं के नाम पे अभी लोगों को नहीं कुछ पता चल पा रहा है आखिर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। बाकी आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे लोग जो है पोलिंग पार्टियों के जो है यहाँ पे रवाना हो रही है। पीछे भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित है, यहाँ पे लोग जो है पोलिंग सेंटरों तक जाने के लिए यहाँ पे तैयार है। लेकिन अगर बात की लेडीजों की, तो लेडीजों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस हिसाब से अभी ये बता रही थी कि पीठासीन में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी जिला प्रशासन जो व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है वो दावों में कितनी सच्चाई है। कोई जब से महिलाएं पोल खोल रही हैं, किनकी जो इन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, सुविधाओं के नाम पे अभी तक इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, पे भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है, कुछ लोगों को जरूर काफी दिक्कतें आ रही हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से तीन सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे हम शारिक के पास। शारिक, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही, वहां पर क्या तस्वीर है अभी कल के चुनावों को देखते हुए और यहाँ पर प्रशासन के इंतजामों को देखते हुए? बिल्कुल शिवानी, देखिए कल यहाँ पर मतदान होना है 7:00 से, और उसको लेकर पोलिंग पार्टीज़ को 8:00 से ही रवाना करना शुरू कर दिया गया है। और ये पोलिंग पार्टीज़ कुछ घंटे बाद अपने जो इनके बूथ्स हैं जहाँ पर इनको जाना है वहाँ पर पहुँच जाएंगी। अगर 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 28 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, और जो अपने मतदान का प्रयोग 3,173 बूथ्स पे करेंगे। फोर्स की बात की जाए तो फोर्स को डेवलपमेंट सभी जगहों पे किया जा चुका है। CPMF यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है पुलिस के साथ साथ। तो तमाम इंतजाम जो किए जाने थे निर्वाचन की तरफ से वो तमाम सारे इंतजाम किए जा चुके हैं, और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है शिवान जी। और रोहित भी हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। रोहित, अब आपका ही रुख करेंगे, वहां पर आपने बातचीत की लोगों से जो वहां पर मौजूद थे, जो पोलिंग पार्टियां वहां से रवाना हो रही थी, कितने बजे तक सभी पोलिंग पार्टियों को वहां से रवाना कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली 5 विधानसभाओं में कल जो है मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस लिया है। उनको अपने पोलिंग सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना सके, सभी वाहनों के भी प्रबंध कर लिए गए, तो काफी सहूलियत जरूर इस बार देखने को मिल रही है। और अब चलेंगे लखनऊ, हमारे सहयोगी अभिषेक लखनऊ से जुड़े हुए। अभिषेक, कल चौथे चरण का चुनाव है, लेकिन उनसे पहले आज तैयारियां हम देख पा रहे पूरी की जा रही हैं, लखनऊ की क्या तस्वीर है, क्योंकि यहां पर भी चुनाव होंगे? जी हाँ बिल्कुल, लखनऊ में कल 7:00 से मतदान शुरू होगा, लेकिन उसके लिए आज पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। लखनऊ के स्मृति उपवन गार्डन में इस समय जिलाधिकारी मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में जो पोलिंग पार्टीज हैं और रिजर्व पोलिंग पार्टीज हैं, इन सभी को उनके गंतव्य स्थानों पर रवाना किया जा रहा है। आज शाम तक सभी कर्मचारी अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच जाएंगे, मुस्तैदी से अपनी तैयारियां कर लेंगे, क्योंकि कल सुबह से मतदान शुरू होना है। रिजर्व पोलिंग पार्टीज की भी ट्रेनिंग कराई गई थी, 12 से 18 तक लखनऊ में जो पोलिंग सेंटर्स पर जो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनकी बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई है, और उनको जो ज़रूरी सुविधाएं हैं
वो देकर के अब से थोड़ी देर में उनके पोलिंग सेंटर्स पर रवाना किया जाएगा। 9 विधानसभा क्षेत्र है लखनऊ में, तकरीबन हर विधानसभा सेंटर हर पोलिंग सेंटर पर 4 से 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस लिहाज से माना जाए 2000 से ज़्यादा ये कर्मचारी हो सकते हैं, और साथ ही साथ रिजर्व में भी कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी पर रखा गया है ताकि अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होती हो, कोई बीमार होता हो, तो उसको रिप्लेस किया जा सके। तो पूरी तैयारी है, पूरा बंदोबस्त है जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग का, और उसके बाद कर्मचारी पोलिंग सेंटर्स पर जाना शुरू हो जाएंगे अब से थोड़ी देर में, शाम तक अपनी अपनी ड्यूटी वो संभाल लेंगे। जी, और अब एक बार फिर से हम चलेंगे मोनिश के पास। मोनिश, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि रिजर्व में भी पोलिंग पार्टियों को अभी रखा जा रहा है, अगर किसी की माफ कीजिएगा शारीरिक, तो वहां पर इसको लेकर क्या इंतजाम है? शारीरिक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शारीरिक के पास हम वापस। जी, करीब 12,000 से ज्यादा कर्मचारी इस पूरे मतदान के लिए लगाए गए हैं, जो अलग अलग केंद्रों पर जाकर अपनी ड्यूटी निभाने का काम करेंगे सुबह 7 बजे से। अगर रिजर्व की बात की जाए तो लगभग इतने ही कर्मचारी रिजर्व में भी रखे गए, एक पूरा सेट बनाकर P1 P2 अधिकारियों की एक रिजर्व सेट भी बनाया गया है। तो अगर तमाम सारे इंतजाम जो किए जाने चाहिए थे, वाहनों के इंतजाम थे, पोलिंग सेंटर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी, पुलिस के इंतजाम थे, वो सारे इंतजाम अभी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो मतदाता जागरूकता की बात की जा रही थी निर्वाचन की तरफ से, तो ज़िला प्रशासन ने काफ़ी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, बड़ी जगहों पर कई सारे जो है ऐसे जागरूकता कैंप्स भी लगाए थे। और सबसे बड़ी बात ये जो दावा किया जा रहा है 90% पार का, तो ये एक चुनौती से भी कम नहीं है, क्योंकि जो अभी ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है जो 60-80% के पास आसपास बना हुआ है, तो लगातार जिस तरह से इंतजाम है वो तो दुरुस्त दिखाई पड़ रहे हैं शिवानी। और एक बार फिर से चलेंगे रोहित के पास। रोहित, कितनी संख्या होगी यहाँ पर पोलिंग पार्टियों को जिन्हें वहां से रवाना किया जा रहा है आज? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए संख्या की, 1400 कुछ जो है पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो मतदाता जो 17 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, आज तैयारियां पूरी कर ली। सबसे बड़ी वहां पे अच्छी बात ये देखने को मिली, जो नए नए जो कर्मचारी इनकी ड्यूटी पहली बार लगी है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार उनकी ड्यूटी लग रही है, वो भी चाह रहे हैं कि जो है पारदर्शी तरीके से जो मतदान कराया जा सके, तो काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। अगर बात की जाए जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की, वहां भारी संख्या में जो है तादाद के कर्मचारियों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन सभी के हर विधानसभा के अलग अलग काउंटर वाइज बनाए गए, महिलाओं की अलग व्यवस्थाएं की गई है ताकि कर्मचारी को कोई भी दिक्कत ना सके, अपनी जो है यहां से निकल के जो अपने पोलिंग सेंटर तक सहूलियत से पहुंच सके और कल जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा सके। तो जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से करा ली गई है। चलिए अब अभिषेक का रुख कर लेते एक बार हम फिर से। अभिषेक, यहाँ पर जब पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है तो उस बीच सुरक्षा व्यवस्था को भी खास तौर से ध्यान में रखा जाता है, इसके इंतजाम अभी कैसे आपको नजर आ रहे हैं लखनऊ में? देखिए, जहाँ भी चुनाव होता है, जहाँ भी मतदान होता है, वहाँ पर रिजर्व फोर्स को भी रखा जाता है, और CPMF को लगाए गए हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को लगाए गए जो संवेदनशील केंद्र हैं। तो जो CPMF है या फिर जो सुरक्षा के जो फोर्स है, जो सुरक्षा का जो बंदोबस्त है, वो उन पोलिंग सेंटर्स पर रवाना हो चुका है, उन पोलिंग सेंटर्स को निगरानी में लिया जा चुका है, वहाँ पर जो ज़रूरी सुविधाएँ होनी चाहिए वो पहले से उपलब्ध कराया जा चुका है, ताकि कल का जो मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा देर शाम तक चलेगा, साथ ही साथ जो EVM मशीनें हैं, VVPAT मशीनें हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी कर्मचारियों की ड्यूटी और फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी हर चरणबद्ध तरीके से अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंचते रहते हैं। चौथे चरण में जहां जहां पर मतदान होना है फोर्स वहां पर पहुंच चुकी है, डिप्लॉय हो चुकी है, जो मतदान कराने वाले जो कर्मचारी हैं, जो बूथ के अंदर जो तैनात होते हैं, वो अब से थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। तो देर शाम तक सभी कर्मचारी अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर स्टेशन हो जाएंगे, मौजूद रहेंगे, व्यवस्था संभाल लेंगे, रात भर पूरा निगरानी में रखा जाएगा सभी चीज़ों को, और कल सुबह EVMs को खोला जाएगा कर्मचारियों की मौजूदगी में, जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी मौजूदगी में, जो 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 कैंडिडेट्स हैं उनकी मौजूदगी में, और उसके बाद सुबह 7 बजे से मतदान शुरू करा दिया जाएगा। चलिए, आप चारों का, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर पोलिंग पार्टियां आज देखिए रवाना की जा रही, कल चौथे चरण का मतदान का दिन रहेगा, और उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है चौथे चरण के लिए। तो 624 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता के हाथ में रहेगा कल के चुनाव में। और नोएडा से अगली खबर है जहां पर